तारीख तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। ट्रेन में टीटी से सिर्फ ये एक लाइन बोले, बिना टिकट होंगे तब भी जुर्माना नहीं लगेगा। ट्रेन से सफर के दौरान कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है कि ट्रेन छूटने वाली होती है, टिकट काउंटर पर कतारें लंबी हैं तो टिकट नहीं ले पाते हैं और फिर बिना टिकट ट्रेन में चढ़ने के बाद जुर्माना भरना पड़ता है। अब इससे निजात पाने के लिए रेलवे ने अनूठा उपाय निकाला है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक अब अगर आप जल्दी में हैं तो ट्रेन में सफर के दौरान भी टिकट ले सकते हैं। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। रेलवे के इस तोहफे से बिना टिकट यात्रा करने वाले अब बहाने नहीं बना सकते हैं। लेकिन ट्रेन छूटने के डर से बिना टिकट लिए ट्रेन में चढ़ने वालों के लिए यह बेहद अच्छी खबर है। उन्हें बस टीटीई से कहना है कि हमारा टिकट अभी बना दो। कैसे मिलेगा ट्रेन में टिकट? रेलवे ने अप्रैल 2017 से ऐसे लोगों को ट्रेनों में ही टिकट देने की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके लिए आपको ट्रेन से उतरने की जरूरत नहीं है और न ही इंटरनेट का इस्तेमाल करना है। यात्री ट्रेन में टीटीई से संपर्क कर टिकट ले सकेंगे। बिना डरे ले टिकट। टीटीई को देखकर आपको ना तो डरना है और ना ही छुपना है, बल्कि एक जागरूक नागरिक की तरह टीटीई को बताना होगा कि किस कारण से आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद टीटीई आपको टिकट काटकर देगा। टीटीई संबंधित यात्री से तय किराए के साथ ही 10 रुपए अतिरिक्त शुल्क लेकर हैंड हेल्ड मशीन से टिकट निकाल कर देगा। ट्रेन में ही मिलेगा आरक्षित टिकट। आरक्षित टिकट देने की यह सुविधा केवल सुपर फास्ट ट्रेनों में शुरू की गई है। इसे बाद में सभी ट्रेनों में शुरू किया जा सकता है। यह हैंड हेल्ड मशीन रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के सर्वर से कनेक्ट होगी। जैसे ही यात्री टिकट मांगेगा, मशीन में नाम और जगह डालते ही टिकट निकल आएगी। मशीन की मदद से ट्रेन में खाली बर्थों की जानकारी भी आसानी से मिलेगी। वेटिंग वालों को भी मिल सकती है टिकट। वेटिंग क्लियर होने पर भी ट्रेन में खाली बर्थ की जानकारी हैंड हेल्ड मशीन में उपलब्ध होगी। यदि किसी यात्री की वेटिंग क्लियर नहीं हुई है तो वह टीटीई के पास जाकर अपनी टिकट दिखाकर खाली सीट की जानकारी लेकर उसे कंफर्म करा सकता है। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।